नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है कि एक दिन किसी के लिए भी कोई भी दिवस सुनिश्चित कर दो, फिर उसे वर्ष भर खुद भी लूटो और अपनी महत्वाकांक्षी पूरी करने के लिए उस पर्यावरण को लूटने की खुली छूट दे दो। आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह समस्त देश के सत्तासीन और आमजन पर्यावरण के प्रति उदासीन है, तो उनमें से किसी को इसे मनाने का कोई अधिकार कैसे हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण दिखावे का विषय नहीं, जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। जिस तरह भारत में प्रत्येक प्रदेश की सरकार वन संपदा को माफियाओं और उद्योगपतियों के हाथ खुलेआम लुटा रही है, तो आज उद्योगपतियों के हाथ खुलेआम लुटा रही तो आज इंदिरा गांधी जी और मनोहर पर्रिकर साहब बहुत याद आते हैं, जिनके कार्यकाल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए रुकवा दिए जाते थे कि उनसे वन संपदा नष्ट हो सकती थी। कभी कभी शब्द भावनाओं का साथ छोड़ देते, क्योंकि समझ नहीं आता भारतवासी पर गुस्सा करें या तरस खाएं, क्योंकि जिस भारत भूमि में वृक्षों, नदियों, गाय, जीवों को पूजने की परंपरा वेदों में वर्णित है, जो हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है, उसकी ऐसी दुर्दशा शायद ही किसी देश में होगी, क्योंकि एक तो ना हम किसी की सुनना चाहते, ना दूसरे देशों से कुछ सीखना चाहते हैं। आज 5 जून पर्यावरण दिवस है। लगभग 50 वर्ष पूर्व 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे प्रथम ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था। तब से 50 वर्ष हो गए। उस समय जब जलवायु इतनी ख़राब नहीं थी, उस समय चिंता की गई थी पूरे विश्व के लिए, धरती के लिए, लेकिन उसके बाद स्थिति तो बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से पृथ्वी की वन्य संपदा का, नदियों का, वन्य जीवों का दोहन हुआ है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। और हम सिर्फ नीति बना ले और सपने देखे, तो सपने देखने से तो कोई सपने पूरे होते ही नहीं है, हमें उन्हें धरातल पे लाना पड़ेगा। और विशेष करके युवाओं से मेरी अपील है कि आप इसका हिस्सा ना बने, बल्कि इसको अपने जीवन का अंग बनाएं। और हम समस्त सत्ता, शासन, प्रशासन, जो भी व्यक्ति, आम जन है, क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है बल्कि ये जीवन है। और पर्यावरण दिवस एक दिन के लिए नहीं होता। जिस दिन जल नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, पशु पक्षी नहीं होंगे, उस दिन हमारा ही दिवस नहीं होगा। तो हम सबको सपने तो देखना चाहिए, क्योंकि धरती का बुखार बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेज़ बढ़ रही, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियाँ सूख रही है, तो ये सब बहुत ही भयानक स्थिति है। इस सब से निपटने के लिए हमें सबको समेकित प्रयास करने पड़ेंगे। ना तो ये किसी एक का कर्तव्य है, ना किसी का अधिकार है, ना किसी का उत्तरदायित्व है, तो हम सबको एक समेकित प्रयास करना पड़ेगा। विशेष करके युवाओं को इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अभी गर्मी में जिस प्रकार से कल कान्हा नेशनल पार्क का मैंने वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में कुछ मेरे परिचितों ने मुझे वीडियो भेजा था, या और भी जंगलों में मैं जाती हूँ, वहाँ पर देखती हूँ, तो जिस प्रकार से वन्य जीव इस गर्मी में परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, तो ये जिम्मेदारी आमजन यदि वहाँ जाते हैं उनकी भी बनती है। वहाँ के जो वन्य अधिकारी है, चूँकि इसके लिए उन्हें बजट जारी होता है, तो उनकी ये नैतिक कर्तव्य तो है, बल्कि उनकी नौकरी का भी हिस्सा है कि वो इन वन्य प्राणियों के लिए वहाँ पर जंगलों में पानी की व्यवस्था करें। क्योंकि पता नहीं इतनी भीषण गर्मी है जो 2027 में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अभी है, तो ये वन्य प्राणी, पशु पक्षी, पता नहीं कितनों की प्यास के से मौत होती होगी, तो इन सभी का, वहाँ के वन्य अधिकारियों का नैतिक दायित्व है कि वो वहाँ पर जीवों के लिए पानी की व्यवस्था करें, हौज बनाएं, सीमेंटेड हौज बनाएं, क्योंकि पानी रिस जाता है। क्योंकि मैंने जब कल हाथियों को, शेर को, चीते को, हिरनों को, सभी का वीडियो देखा है इस तरह पानी के लिए तड़पते हुए, तो ये उन लोग का नैतिक कर्तव्य है कि वो वहाँ पर वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था करें। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट।